केवल अपने परिवार के नहीं वरन लाखों करोड़ों लोगों के परिवारों का भरण पोषण करता है, सरकार को टैक्स देता है और शांति व्यवस्था समाज में कायम रखता है। लेकिन कुछ सरकारी निर्णय समय समय पर व्यापारियों के मन में आश्वस्त करता हूँ कि लड़ाई और हम लोगों की लड़ाई हो रही है और महानगर इसको अपने पूरे जोर शोर के साथ अपनी लड़ाई को इस मुहिम को जारी रखेगा और सरकार ने जब तक ये टोलकी संशोधन करके वापस नहीं होगा सस्ते कपड़े सस्ते और सस्ते रेडीमेड गार्मेंट्स जो टैक्स की दर आज तक पता नहीं क्या सरकार को पूछता है क्योंकि आज पहले जीएसटी लगाया सस्ते कपड़े सस्ते जूते इस देश में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और इस टैक्स की उनके ऊपर बहुत गहरी मार पड़ेगी। आम जनता ऑलरेडी पहले से ही इतनी महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, अपना गुजारा करना उसके लिए मुश्किल है और इस चोट की मार बहुत बड़ी पड़ेगी, उसको जीवन में अपने जीवन यापन में कठिनाई होगी। इसलिए हम अपने संगठन की ओर से ये सरकार जिस तरह से IGST SGST अगर सरकार वापस और नहीं लेती कई तरह के जीएसटी हम व्यापारी शांति व्यक्ति होते हैं, हम समाज निर्माण में इसके मौजूद हैं, हमारी ये मांग समाज के भले के लिए है, हम अपने स्वार्थ के लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं, समाज के भले के लिए है, सरकार को इस बात को मानना चाहिए। अपनी बात हम आंदोलन को और आगे लेकर जाएंगे और चूंकि आगे चुनाव भी आ रहा है, सरकार में दबाव बनाएंगे कि चुनाव को हमारे भाई को माने वरना चुनाव में व्यापारियों को फिर नए सिरे से निर्णय मनीष चौबे महानगर उद्योग प्रदर्शन कर रहे हैं, धन्यवाद सरकार से मांग कर रहे हैं इस काले को जो ये क्या समस्याओं को जो गरीबों के ऊपर ये सीधा सीधा मार पड़ेगा चाहे वो कपड़ा हो चाहे जो भी और गरीबों के सर एवं से कपड़ा महंगे हो जाए काम जो सरकार कर रही है। आज इस कार्यक्रम में इसका हम व्यापारी वर्ग जबरदस्त आज यहाँ से रोक कर रहे हैं और ये हमारी निजी मांग में तो आने वाले समय में हम सड़क बहुत सारे व्यापार मंडल के सबका विकास कपड़ा जूता और व्यापार हो गया सबके सामने है और सारे व्यापारी हमारे बच्चे हुए हर ताने वाले व्यापारी है आज रेडी हम लोग की मांग है कि जो 12% किया गया है उसको नहीं हम बोले व्यापारी इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा पड़ेगा भाई जब जनता के ऊपर टैक्स का बोझ पड़ेगा व्यापारी वही लगातार व्यापारी चुका है GST का टैक्स है इस तरह के तमाम जो सरकार हम लोग टैक्स लगाई है निश्चित तौर पर व्यापारी आए हुए